नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, पूरा देश आज 15 अगस्त सेलिब्रेशन करने में लगा हुआ है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उसकी वैदिक दर्शन, विविध विश्वासों में रीति रिवाज और परंपराओं द्वारा सदियों से सीखने और बाहर से आक्रमण और आंतरिक संघर्षों के बावजूद विकसित होने वाली एक मजबूत नींव भारत प्रदान की है। प्राचीन भारतीय सभ्यता के मूल सिद्धांत न केवल कायम रहे बल्कि कठिन परीक्षाओं के बावजूद भी समृद्ध हुए हैं आज हम, जबकि प्राचीन मिस्र कहो, मेसोपोटामिया, रोम आदि कई अन्य प्राचीन सभ्यताएं पृथ्वी के चेहरे से लुप्त हो गई है। शायद यह भारत की विविधता को आत्मसात करने और कष्टों को माध्यम से पनपने की क्षमता, जिसमें भारत की प्रगतिशील विकास के लिए एक संबल और पोषण के रूप में काम किया है। आज की उपलब्धियों और चुनौतियों का जायजा लेते हुए ये कहा जाना चाहिए कि भारत योग, आध्यात्मिकता और वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन सहित कई क्षेत्रों में एक दुर्जय विश्व शक्ति, वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के नाते और एक विश्व गुरु बनने के लिए आज भारत अग्रसर है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा रखेंगे, द राइजिंग स्टैच्यू ऑफ इंडिया, वेयर हैज इंडिया रीच्ड आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान है श्री शेषाद्रीचारी जी। नमस्कार सर, आपको उदय इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि शेषाद्रीचारी वाज द फॉर्मर एडिटर ऑफ ऑर्गेनाइजर, वो एक चिंतक है, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, ही इज ऑथर ऑफ मेनी बुक्स, नाउ ही इज प्रोफेसर इन मणिपाल यूनिवर्सिटी। आपको मैं स्वागत करता हूँ चारी जी। हमारा साथ मुंबई से जोड़ रहे हैं रतन शारदा जी। रतन शारदा जी, आपको उदय इंडिया से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक। मैं अपना दर्शकों को बता दूं, रतन शारदा जी एक इंटेलेक्चुअल है, ही इज ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आप लोगों ने उनको कई बार मीडिया में देखे होंगे, कई चर्चाओं में, टेलीविजन चैनल्स में वो अवसर आते हैं और वो भारत की बात करते हैं। और बात को आगे लेने के लिए हमारे साथ सीनियर वेटरनरी जर्नलिस्ट शेखर आयर जी पुणे से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शेखर आयर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप सौरभ जी। प्रदीप सौरभ जी हिंदी पत्रकारिता जगत में एक जाने माने नाम है। दैनिक हिंदुस्तान में लंबे समय तक उन्होंने पत्रकार रहे हैं और टेलीविजन चैनल्स में आपने उनको अवसर देखते होंगे। मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हमारा चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं रतन शारदा जी से कि भारत 15 अगस्त आज सेलिब्रेशन कर रहा है, पूरा देश सेलिब्रेशन की मूड में है। आप हमारा दर्शकों को ये बताइए कि सेलिब्रेशन का कारण क्या हो सकता है हर भारतीयों के लिए। आखिर हम कितना पाया, कितना खोया, कहां तक हम पहुंचा और कहां हम पीछे रह गए हैं। रतन शारदा जी। दीपक जी, धन्यवाद। सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जैसा हम जानते हैं, 75 साल स्वतंत्रता दिवस के हमने इस वर्ष अभी पूरा कर रहे हैं और इतने कम समय में क्या खोया क्या पाया कि तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले एक वर्ष में स्व का जागरण हुआ है। हमारा देश क्या है, हमारे देश की आत्मा क्या है, इसके बारे में एक बहुत अच्छा एक ज्ञान और संज्ञान भारत के लोगों को हुआ है। अभी जो उनको गर्व महसूस होता है, केवल वो के क्रिकेट के खिलाड़ी को देखकर, विश्व कप को देखकर नहीं, तो भारत माता को देखकर, उसकी आज उभरती हुई छवि को देखकर उसको गर्व होता है। मैं मानता हूँ कि जो सबसे बड़ा एक अच्छा काम हुआ है पिछले एक वर्ष में, या पिछले 75 वर्ष में कहें कि आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, जीवन दे दिया, उनकी फिर इतिहास खोज कर रहा है, उनको एक इज्जत का स्थान दे रहा है जो कि इतिहास के पन्नों से निकल गए थे।
तो देश के हजारों जो भी क्रांतिकारी थे और अन्य आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उनका इतिहास सही इतिहास बाहर आ रहा है, जो कि देश के लिए सबसे बड़ी एक इज्जत की बात है, हमारे लिए गौरव होने की बात है। दूसरा, विभाजन की विभीषिका के अंदर जो लाखों लोगों की जाने गई, कम से कम 15 लाख, जिन्होंने वास्तव में आजादी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई विभाजन की, उनको हम याद ही नहीं करते थे। यानी 15 अगस्त को ये हो गया और 15 अगस्त को हमने खुशियां मना ली, उस समय लोग अपने घरों से बाहर थे, ट्रेनों में कट रहे थे, गांव में कट रहे थे, स्त्रियों की बेइज्जती हो रही थी, लोगों ने अपनी माँ और बहनों को काट के इसलिए काट दिया कि उनकी और अधिक बेइज्जती ना हो और वो नहीं कर सकती, उनको हमने अब रिकॉग्नाइज किया है, जो कहकर कि विभाजन विभीषिका दिवस भी 14 अगस्त को है, ये एक बहुत बड़ा एक और हमने जो हमारे ऊपर कर्ज था हमारे पूर्वजों का, उसको एक श्रद्धांजलि हमने दी है। जी जो देश अपनी कमजोरी और अपनी शक्ति को पहचानता है और अपने लोगों की इज्जत करता है, समाज दुनिया उसकी इज्जत करती है। आज हम जी जब कहते हैं देश के अंदर, देश का जो भारत के अंदर रुतबा है, क्यों है वो? क्योंकि आंतरिक रूप से हम बहुत एक शक्तिशाली देश के रूप में तैयारी कर रहे हैं बढ़ने की, गरीबी कम हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, हमारे अंदर उद्योग की उन्नति हर प्रकार की उन्नति हुई है। तो जब कोई गरीब होता है उसकी कोई नहीं सुनता। नेहरू जी ने पंचशील की बात की थी, नॉन अलाइनमेंट की बात की थी, लेकिन कोई सुनता नहीं था, क्योंकि उस समय गरीब थे, हम लोगों से सहायता मांगते थे। आज हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, इसके कारण इंटरनेशनल योगा डे भी होता है, इसके कारण सोलर अलायंस भी बनता है। तो एक देश का जो, जब हम अंदर से मजबूत होते हैं तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। कहा जाता है कि ओलंपिक के अंदर कबड्डी का खेल हुआ था तो उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि गुलाम देश ये कबड्डी खेलता है। आज हम उसमें से बाहर हैं, इसलिए दुनिया भर में हमें इज्जत है। एक देश के अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी है, विश्व भर में पॉजिटिविटी है। लोग समझते थे कि मोदी जी वहाँ जो भारतीय लोगों का वहाँ पर जो रैली करते हैं वो अपने लिए करते हैं। मैं शुरू से मानता रहा वो इसलिए करते थे कि विश्व भर के नेताओं को पता चले कि वास्तव में भारत के बाहर के लोगों का उनके देश के अंदर कितना योगदान है, उस योगदान को स्वीकारें, और जिसके कारण उनकी इज्जत बढ़े समाज में, उस देश में, और भारत की इज्जत भी बढ़े। तो इस प्रकार के थोड़े से विषय मैं पूरे करूंगा कम समय होने के कारण, कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक परिवर्तन है, एक दिशा परिवर्तन है, एक सोच में परिवर्तन है, जिसके अगर बाकी सभी कुछ संभव है। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 10 सालों में हुआ है, जिसको हम बिल्कुल ही स्वीकार करते हैं, और इसके कारण एक पॉजिटिविटी हम देखते हैं। ये सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का रहा है। जी शेखर आयर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, रतन शारदा जी ने कहा कि जो विभाजन की जो आग है वो क्या आज भी वो आ रहा है? क्योंकि डेस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स, डेस्पाइट ऑल पॉजिटिविटी, आज भी हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की नेता या बाहर के लोग या इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के खिलाफ एक नेगेटिविटी, नेगेटिव नैरेटिविटी आज भी वो क्रिएट कर रहे हैं। क्या जो इंडिया का राइजिंग स्टैच्यूर है, आप उसको कैसे देख रहे हैं शेखर आर जी, एक पत्रकार के नाते आप बताइए। नहीं देखिए, एक तो राजनीति के कारण कई चीजें जिसके आपने जिक्र किया है जी वो तो अलग बात है, लेकिन देश का जो चीजें बदली है देश में 2014 के बाद, वो आर्थिक दृष्टि हो या गरीबी के खिलाफ लड़ाई हो जी या इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन को लेकर हो, जी कई आप ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां चीजें नहीं बदली हो। जी और इस बदलाव के पीछे हमारे प्रधानमंत्री की ऊर्जा रही है, उनकी एक दृष्टिकोण रही है, और उनके जो आलोचना करते हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि एक कमिटेड एक नेता के तौर पे प्रधानमंत्री ने काम किया है। कुछ जी लोग उनके साथ सहमत ना भी हो, लेकिन उनकी जो लगातार उनकी जो एक प्रकार से विकास, जो डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो एक चल रहा है, साथ साथ से जी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर हमेशा एक, क्योंकि जब से मोदी जी आए 2014 के मैंडेट को, उस मैंडेट को लेकर कुछ लोग पहले स्वीकार नहीं कर पाए, और फिर जब 2019 आया उससे बड़ा मैंडेट हुआ वो भी उनके लिए बहुत तकलीफ हुई। अब 2024 आ रहा है, हम देख रहे हैं कि नया एक समीकरण बनने की कोशिश हो रही है कि सारे जी अगर 35% से एक पार्टी पावर में आ रही है, हम क्यों ना सब इकट्ठा हो जाए, इस तरह की जी बातें भी हो रही है। तो ये जी तो देखिए एक दो एक एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ मतलब मामला सब कुछ इतना टेंशन में है, लेकिन दूसरी ओर
आप देखिए जिस तरह मैं एक एक बात बताना चाहता हूँ, गरीबी के ऊपर जो लड़ाई जिसमें टेक्नोलॉजी का जो काम आया है, जिसको हम जाम कहते हैं, जनधन योजना, आधार, उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मोबाइल के माध्यम से हो रहा है, इतने लोगों को कवर हुआ है। और डिजिटलाइजेशन की जो प्लेटफॉर्म है उसकी पहले कल्पना नहीं थी कि इतने लोग इसको स्वीकार करेंगे। गांव गांव तक ये वाला पहुंच गया है कि आप गूगल पे हो या यूपीआई पेमेंट्स हो, वो पूरा इकोनॉमी चेंज कर दिया है। और दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उसको डेवलप्ड माध्यम से रोजगारी कैसे पैदा करें, और सरकार खुद स्वयं 1,00,000 करोड़ का जो गति शक्ति का जो कार्यक्रम है, कई जगह पे जो चीजें जरूरत थी। एक खास बात ये 9-10 साल में हमने देखा है कि पहले क्या होता था, एक जरूरी पड़ती थी, जब तक प्रोजेक्ट टेक ऑफ होता था तब तक उस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड बहुत चेंज हो जाती थी। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था तब लगता था कि भाई इससे तो और बड़ा करना चाहिए था। लेकिन आज जो अप्रोच है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको पहले सोच लेते हैं, भाई 10 साल के बाद क्या, 20 साल के बाद क्या हमारी रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए आज हमें क्या करना है। ये जो थिंकिंग में, पॉलिसी प्लानिंग में, ये सब चीजें बदली है। और साथ में दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए जिस तरह आप देखो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी जिस तरह था उसको एक प्रकार से फॉर्मलाइज हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। अब सवाल आता है भाई ये कलेक्शन बढ़ने से लोगों को क्या फायदा। देखिए क्योंकि कलेक्शन बढ़ा है जिसके वजह से सरकार को बहुत लोक कल्याण कार्यक्रम कर पा रहे। उस कल्याण कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ले लीजिए, जितने मकान इस 9 साल में बने जिस तेजी से बने पहले कभी नहीं बना। जल जीवन मिशन ले लीजिए, घर घर तक जल पहुंचने का काम, वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। और ये चीजें देखिए लोग देख रहे हैं, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है कि फलाना जाति को नहीं मिला, फलाना कम्युनिटी को नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला है। इस पर कोई भेदभाव अभी तक कोई कंप्लेंट ऐसा नहीं आया भाई हम फलाना जात के या फलाना धर्म के, इसलिए हमें ये सुविधा नहीं मिली है। तो इसका मतलब बहुत, मतलब ये मैं कह सकता हूं कि कई सेक्टर में जो बदलाव आ रहा है और उसको लेकर दो जिस तरह से सरकार और टॉप लेवल पे जो जिस तरह लगी हुई है, और जो पिछले जितने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, ये प्राइम मिनिस्टर का जो नया प्रगति एक्सपेरिमेंट, मतलब हर राज्य चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठकर पीएमओ और ये जितने कैबिनेट डिसीजन लिए जाते हैं उसका रिव्यू करना, उसको फॉलोअप करना, ये सब एक गवर्नेंस मॉडल में नहीं है। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, ये बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करके, कम से कम 200 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को लिया गया जहां पे जो ऑफिसर्स पहले वहां काम किए थे उनको साथ लेकर अभी जो युवा ऑफिसर्स वहां है, दोनों मिलकर जो बेसिक नेसेसिटीज देने का काम हो रहा है उसमें, कई जगह पे मोस्ट इन्फेक्टेड एरिया है, कई बैकवर्ड एरियाज है, ये कई ऐसे काम हुआ है। तो कुल मिला के आप देखा जाए प्रयत्न बहुत हुआ है। देखिये जो कोई भी डाउट नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर का या इस सरकार का ईमानदारी से बदलाव लाने की जो कोशिश रही है उसका किसी को डाउट नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स हमेशा ऐसा ही चलेगा इसमें, और चुनाव 1 साल में आने वाला है, तो जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो चीजें अलग तरह से ही दिखाई देगा। जी जी धन्यवाद आपको। प्रदीप सौरभ जी, आपने सुना, सभी ने बताया कि भारत एक सही राह पर चल पड़ा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ा है। आप क्या कहेंगे, भारत का जो राइजिंग स्टैच्योर है, भारत विश्व गुरु बनने का कगार पर खड़ा है आज। भारत आज सबसे बड़ा नहीं तो कम से कम एक डेवलप्ड नेशंस की जो इकोनॉमी है आज उसको टच करने जा रहा है भारत, उस पे क्या कहेंगे आप प्रदीप सौरभ जी? देखिए दीपक जी, भारत ने 1947 के बाद तमाम विकास के सोपान देखे। हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत की क्या स्थिति थी, उसके बाद कितने युद्ध हुए, हमें कितने नुकसान हुए, हमें कितने फायदे हुए, हमें बहुत सारी चुनौतियों उसको झेलते हुए हमने अपना विकास का रास्ता तय किया है। और आज जहां हम खड़े हैं, जिस डिजिटलाइजेशन की बात की है, इसकी न्यू किसने रखी, ये भी एक प्रश्न आता है। और ये भी एक प्रश्न है मेरे सामने सबसे बड़ा, ये जो नरेटिव गढ़ा जा रहा है कि पूरे 75 साल में सिर्फ ये जो 9 साल है, 9-9.5 साल सिर्फ विकास इन्हीं वर्षों में हुआ, ऐसा नहीं है। जब आप विरासत की बात करते हैं तो जो विकास होता है ना,
क्यों एक लंबी परंपरा है, वो कोई अचानक उगता हुआ पौधा नहीं है। आम का वृक्ष भी लगाते हैं तो अगले साल वो फल नहीं दे देता है, तो एक सतत प्रक्रिया है। तो ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मैं इससे असहमत हूँ पूरी तरीके से कि सिर्फ 9 साल में ऐसा हुआ है और बिना परंपरा के। मैंने कहा ना कि जिस डिजिटलाइजेशन की बात होती है, मुझे याद है कि जब कंप्यूटर इस देश के अंदर आया था तो तमाम स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने उसकी फीजी जलाई थी और तमाम लोगों ने उसमें काम करने से इनकार कर दिया था। आज उसी कंप्यूटराइजेशन के कारण हम डिजिटलाइज हो रहे हैं। आज जो मोबाइल घर घर तक पहुंचा है, इसको आप इस तरह से काट के नहीं देख सकते। भारत माता की अगर आप बात करते हैं तो भारत माता का कोई शरीर का हिस्सा नहीं काट सकते आप, उसको पूरे संपूर्णता में देखेगा देखना चाहिए। और 75 साल के सतत विकास के की प्रक्रिया का ये परिणाम है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं जहां पर खड़े हैं। अब आते हैं इस बात पर, विकास की बात तो दो लोगों ने कर ली, काफी कुछ की, ये योजना वो योजना, अब चुनौतियों पे आते हैं। आज हमारे सामने जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है कि देश में एक क्या कहते हैं कि एक बंटवारे की राजनीति चल रही है। आज मतलब आज जिस दिन को याद किया जा रहा है, ये ऐसा इस देश में मुझे होता हुआ फिर दिख रहा है। आप मणिपुर का उदाहरण ले सकते हैं कि 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और वहां पर क्या कहते हैं कि अभी भी शांति स्थापित नहीं हो पा रही है जगह जगह। हम मणिपुर की बात करने नहीं बैठे हैं आज, आज तो हम नहीं, चर्चा नहीं, कर रहे हैं कि दीपक जी मैं चुनौतियों की बात कर रहा हूँ, राजनीति वाली बात नहीं, हो जाएगा फिर। नहीं नहीं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चुनौतियों की बात कर रहा हूँ कि देश आज एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में गुजर रहा है कि हमारी आंतरिक एकता को खतरा है। ये हमारे सामने चुनौती है जितनी तो आपको भी पता है मणिपुर का जो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसके पीछे कांग्रेस भी है। इतना साल तक कांग्रेस क्या था, उस चर्चा को मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं ओवरऑल जो भारत एक ग्लोबल स्टैचर, भारत का जो ग्लोबल, आप ये बताइए कि भारत कब क्या कहते हैं कि विश्व में उसका सम्मान नहीं होता था। ये अलग बात है कि आज कुछ लोग उसका शो ऑफ करते हैं और वहां पर जिस तरह अगर इसकी भी जांच की जाए कि जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारा सब कुछ प्रदीप जी आप मानेंगे नहीं कि आज हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए टू टर्निस इमेज ऑफ इंडिया, नहीं क्या मैं नहीं, इंडिया के अंदर भी और इंडिया की बाहर भी, नहीं नहीं इंडिया के अंदर संगठन तरह तरह के संगठन उस पे लगे हुए हैं, नेगेटिव नैरेटिव्स बना रहे हैं। आप इस बात को तो मानेंगे ना दीपक जी? आप एक बात सुनिए, आपने कहा ये कार्यक्रम आप अपने विचार रख दीजिए फिर आप बोल लीजिए। जी जी है ना, ये आपने प्रारंभ में कह दिया या तो डिबेट करिए, तो डिबेट की तरह हम बात करेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। मैं सोच रहा हूं कि 15 अगस्त है तो 15 अगस्त में राजनीति 15 अगस्त का नहीं 15 अगस्त का और राजनीति तो किसी चीज से दूर नहीं हो सकती है। राजनीति से आप दूर नहीं हो सकते, आप घर में होते हैं अपने परिवार के साथ होते हैं तो वहां भी एक राजनीति होती है। राजनीति से अपनी राजनीति हमारे जीवन का अंग है और राजनीति से ही सब चीज निकलती है। जब आप ये कहते हो कि सर 9 साल में ये हुआ, 9 साल में हम विश्वगुरु हो गए, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये आजाद भारत को 75 साल हो रहे हैं और 47 में भारत की क्या स्थिति थी और 2014 तक हिंदुस्तान कहाँ खड़ा था, इस बात का भी विश्लेषण करना चाहिए। और अब जो हिंदुस्तान है वो उसके आगे की बढ़ने की प्रक्रिया है जिसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन भारत माता को हिस्से करके यूं काट कर देखा जाएगा तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसे वक्तव्य तो जिन्होंने दिया था तो ना हम उसको पसंद करते हैं प्रदीप जी, ये बात तो सही नहीं है। भारत माता को हम माँ के रूप में मानते हैं, ऐसा बात तो आप कहते मानेंगे नहीं, तो आप इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ 9 साल की हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों 9 साल की चर्चा कर रहे हैं जब 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, तो हमें 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं, अमृत काल का उत्सव मनाया जा रहा है, तो हमें पूरे 75 वर्षों का लेखा जोखा देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ 9 सालों की बात करें। एक बात बताइए, क्या 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 आज ये पत्रकार क्या आप मानेंगे नहीं, आपने 9 साल 9 साल 10 बार आपने खुद ही बोला है, मैंने नहीं बोला है, लेकिन आप खुद बताइए कि 14 से पहले जो भारत में भारतीयों की स्थिति था, भारत के अंदर और भारत के बाहर,
उसमें अंतर नहीं आया क्या प्रदीप? ये क्या अंतर आया आप बताइए, इस देश में क्या गरीबी खत्म हो गई? यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर गरीबी खत्म हो गई तो करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दिया जा रहा है अगर गरीबी रेखा के ऊपर है? प्रदीप जी हमारे पास समय कम है, पर मैं चाहता हूँ इस विषय पर रतन सादा जी आप बोलिए। प्रदीप जी कह रहे हैं कि नेगेटिव नैरेटिव देश के खिलाफ नहीं बन रहा है, रतन जी आप उसको बोलिए। देखिए मैंने अपने वक्तव्य में बिल्कुल नहीं कहा कि इतने साल कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ बातें की जो पहले नहीं हुई थी जिसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते थे, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे बाकी लोगों का योगदान या विभाजन के बारे में उसको दरकिनार कर देना कि कुछ हुआ ही नहीं सब ठीक ठाक था, और जो एक मैंने ये बात की कि जब आदमी कमजोर होता है तो उसे कोई नहीं सुनता और जब शक्तिशाली अंदर से होता है तो लोग उसकी सुनते हैं। जहां तक कह रहे हैं गलत पहले क्या नहीं हुआ, मैं केवल दो उदाहरण दूंगा। 2014 से 2021 तक ट्रैक बनने की स्पीड थी 720 ट्रैक किलोमीटर 2009 से 2014 के बीच में, वो 2014-2021 के बीच में 1835 किलोमीटर ट्रैक किलोमीटर हो गई। इस तरह इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड बढ़ी, इस तरह गरीबी से ऊपर आने की स्पीड बढ़ी, जो स्पीड ऑफ डिलीवरी है क्योंकि देश की समस्या बढ़ी कि इससे सर मैं बुनियाद कर रहा हूँ, बहस नहीं कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा नहीं। देखिए सरदार जी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं करना चाहता हूँ बहस, लेकिन दीपक जी इस कार्यक्रम को बहस में तब्दील कर रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है उचित नहीं। आपने वो मणिपुर वाला बात लाए, कोई बात नहीं, जब मैं आजादी की बात करूंगा तो जो देश के अंदर एक आंतरिक विभाजन हो रहा है, एक खास राजनीति के तहत हो रहा है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। किसी भी देश का मतलब मैं उसका जवाब दे दूं, आप जवाब आपने बात उठाई थी प्रदीप जी, तो मैं जवाब दे दूं, अगर आप बहस में उतरे तो दे दूं। प्रदीप जी सुन लीजिए ना, आपने बोला दे दूं जवाब, फिर आपको बहस में उतरे है ना तो जवाब चाहिए तो जवाब ले लीजिए। जो कुछ नू में हुआ, जो कुछ गाजीपुर में हुआ, जो अभी हो रहा है, क्या मानते हैं कि जो नू में हुआ ये कोई इस सरकार का षड्यंत्र है? क्या मानते नहीं कि जिस प्रकार की घटनाएं 2024 से 2024 तक हुई, 1946-47 में हुई, नू में पुनरावृत्ति नहीं हो रही क्या? वो चारी जी को बोलना नहीं मिला, मैं जवाब दूंगा। चारी जी को बोलना नहीं मिला, चारी जी को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी? आप ये बताइए, एक बबलू के कारण लोगों ने कारें जला दी, एक बबलू के कारण 100 कारें जला दी गई, हजारों लोगों के घर जला दिए गए, वहां बंदूक जला दी गई। सुना है कि नहीं? एक, 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 मैंने बहुत कुछ सुना, नहीं गलत बात हो रही है, क्लियर हो गया था। ऑडियो टेप आने के बाद नू में क्या हुआ था उसका इंडिकेशन आ गया था ऑडियो टेप आने के बाद। एक आदमी के आने जाने से हजारों लोग पहाड़ों में छुपके गोलियां नहीं चलाते, सैकड़ों कारें नहीं चलाते, वो लोगों को गोलियां मार के नहीं मारते, मंदिरों में हमला नहीं करते। आप समझे इस बात को, सड़कों में लिंचिंग भी नहीं होती है लोगों को पकड़, लिंचिंग तो हो गई, लिंचिंग तो हो गई वहां पर, और लिंचिंग हो रही है, आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप कच्चे को खराब बनाना चाहते हैं। मैं इसमें और हिस्सा नहीं लूंगा। नहीं प्रदीप जी एक मिनट, शेषाद्रीचार्य जी का इसके क्या व्यू है सुनेंगे पहले, राइजिंग स्टैच्यू ऑफ इंडिया और जो प्रदीप जी भी बोले हैं, चार्य जी उसके जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हम आएंगे। नहीं अब मुझे कुछ नहीं बोलना है इस विषय पे, क्योंकि एक मिनट प्रदीप जी चार्य जी को बोलने दीजिए, इसे इसका डिबेट नहीं करेंगे। हाँ अब बोलने चार्य जी बोलिए प्लीज। नहीं दो तीन विषय पर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। एक तो देखिए पिछले 75 सालों में हमने बहुत कुछ किया है, और हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हर एक सरकार जो है वो एक कंटिन्यूटी में होती है जी। ये कहना कि 1947 से लेकर 2014 तक कुछ भी नहीं हुआ ये भी इतना ही गलत होगा, क्योंकि इन वर्षों में काफी कुछ हमने किया है जी। और 2014 से लेकर 2023 तक जो हुआ है उसकी, जैसे रतन शारदा जी ने कहा, उसकी दिशा और स्पीड, डायरेक्शन एंड स्पीड, ये अच्छा रहा। उसका कारण ये भी है कि जिस प्रकार मोदी जी को एक बहुमत मिली है, 300 से ज्यादा सीटें मिली हैं, उतना अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नहीं मिला था, इसके पहले राजीव गांधी छोड़कर किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला था। तो इसका एक अपने आप में असर होता है
और जैसे प्रदीप जी ने कहा कि राजनीति एक बहुत अहम बात होती है देश के स्थिति में, तो उसी बात को अगर हम दूसरी तरीके से देखेंगे तो एक राजनीतिक ताकत जिस प्रधानमंत्री को मिला, ऐसे दो प्रधानमंत्री थे, एक राजीव गांधी थे और एक नरेंद्र मोदी हैं, जिनको राजनीतिक ताकत मिली। राजनीतिक ताकत मिलने के बावजूद भी राजीव गांधी इतना नहीं कर पाए जितना मोदी जी कर पाए हैं, उसका कारण और भी है। देखिए, हम 2023 में हैं, ये 1998 का 25 साल हुआ, पोखरण 2 का हुआ, पोखरण 2 98 में किया, ये 25वां साल हम मना रहे हैं। इसके पहले पोखरण 1 1974 में हुआ और 2024 में हम उसका 50 साल के एनिवर्सरी मनाएंगे। 74 से लेके 98 तक, और 98 से लेकर 2023 तक अगर आप देखेंगे तो 74 में जिस स्थिति में भारत था, भारत को टेक्नोलॉजी मना किया गया, टेक्नोलॉजी किसी देश ने नहीं दिया, भारत ने अपने आप में टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जी। और वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जिस स्पीड से हो रहा था, 2014 के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई जी, ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी हुई, वैसे इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी हमारा बढ़ा। आज भारत जो है वो दुनिया का चौथे नंबर पर है सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी पर जी। दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश हैं, रूस है, चीन है, अमेरिका है, जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट को हिट कर सकते थे। उस स्थिति में आज भारत है, और भारत को किसी अन्य देश ने टेक्नोलॉजी नहीं दिया, ये भारत ने अपने आप में टेक्नोलॉजी विकसित किया है। और इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में पॉलिटिकल इंटरवेंशन 0 था, पॉलिटिक्स ने कभी मना नहीं किया और हम किसी के दबाव में नहीं आए। याद रखिए इस बात पर, प्रदीप जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड, कि नरसिम्हा राव इंदिरा गांधी के बाद, नरसिम्हा राव न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते थे, उन पर दबाव लाया गया, दबाव, नरसिम्हा राव ने खुद कहा कि मुझ पर दबाव लाया गया इसीलिए मैं न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाया। उसके बाद केवल एक वाजपेयी जी थे जो किसी भी थ्रेट के आगे झुके नहीं और न्यूक्लियर टेस्ट किया। आज देश की स्थिति है कि आज देश को, भारत को कोई दबाव के आधार पर भारत से कोई मनवा नहीं सकता है, ये भारत की स्थिति है। दूसरी बात, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, फिर वो ब्रिक्स हो, यूनाइटेड नेशंस हो, या किसी भी ऐसी संस्था हो, G20 का आप तो देख ही रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी में भारत का विचार बहुत अहम रखता है। यहाँ तक कि जितने भी संघर्ष होते हैं देश, दुनिया भर में जो संघर्ष हो रहे हैं, उन सभी संघर्ष क्षेत्रों में भी भारत क्या स्टैंड लेता है, भारत का रुख क्या है, इस पर बाकी लोग तय करते हैं अपना रुख। ये एक बहुत बड़ी बात इंटरनेशनली हमने साबित करके दिया है। हाँ, कुछ बातें हैं जिस पर इस सरकार को और ध्यान देना चाहिए, और वो सरकार दे रही है, क्योंकि सरकार के पास सामर्थ्य होने के कारण सरकार जो अन्य राज्यों में बीजेपी के या विरोधी दल के जो राज्य हैं, सरकारें हैं, उनके दबाव में भी हम नहीं आ रहे हैं। ये भी बहुत अहम बात है। आपको मैं 2 उदाहरण देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे कि बांग्लादेश के साथ हमारी परिस्थिति सुधर जाए और बांग्लादेश के साथ हम एनक्लेव्स का एक्सचेंज कर लें जी। ये होने नहीं दिया क्योंकि ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया जी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनको ममता बनर्जी का विरोध का कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने जाकर वो काम पूरा किया। दूसरी बात बता दूं, छोगम के 50 साल हुए, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के 50 साल हुए, कॉमनवेल्थ का 50 साल हुए, इसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन श्रीलंका में हुआ, कोलंबो में, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी।
और मनमोहन सिंह पर दबाव ये था तमिलनाडु के राजनीतिक दलों का कि अगर आप कोलंबो जाएंगे तो आपके हम सरकार गिरा देंगे। आप सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री कोलंबो नहीं जा पाया, शर्म की बात है जी। लेकिन आज राजनीतिक ताकत के कारण हम अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और एक राजनीतिक तौर पर उन लोगों के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हम बढ़ा सकते हैं, जिसको हमने नेबरहुड फर्स्ट का नाम दिया है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाए और पाकिस्तान के साथ हम व्यापार भी करें। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमको स्थान नहीं दिया ट्रेड में और मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस नहीं दिया, हमने तय किया कि हम उस स्टेटस को खारिज कर देंगे। हमने किया, करके दिखाया, एक बात। दूसरी बात, जहां तक आतंकवाद का संबंध था, हमने पाकिस्तान को कहा कि हम आपके साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन आप अगर आतंकवादी भेजेंगे तो हम आपके घर में घुसकर मारेंगे, और ये हमने करके दिखाया जी। ये किसी और सरकार ने नहीं किया, ये प्रदीप जी आप याद रखिए। इसलिए राजनीतिक ताकत की आवश्यकता होती है और राजनीतिक ताकत की ताकत को देश की तरक्की का विभाजन भी करने किसने किया था, ये भी याद रखिए। पाकिस्तान को दो टुकड़े में किसने किया, ये भी याद रखिए आप। इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ, नहीं नहीं आप एक तरफा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप ये बताइए कि भारत पाकिस्तान का विभाजन भी किसने किया था? प्रदीप जी, मैंने एक तरफा नॉन अलायंस की बात कर रहे हैं, और किसने बनाया था वो? मैंने कहा, मैं आपके बीच में बोलना नहीं चाहता हूँ, आप बोलिए। मैं इस बात को मानता हूँ, अगर पाकिस्तान के तो तोड़ने का किसी अच्छे काम किसी ने किया वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, और हम उसकी तारीफ करते हैं। बांग्लादेश बनाया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधारने का काम मोदी जी ने किया, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि राजनीतिक ताकत के आधार पर किया। और राजनीतिक ताकत इसके पहले और भी प्रधानमंत्रियों के पास थी, लेकिन उन्होंने उस राजनीतिक ताकत को देश के लिए उपयोग नहीं किया, ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए जहां पर क्रेडिट देने की आवश्यकता है वहां पर क्रेडिट देना चाहिए, और ये देश का मामला है, ये किसी एक राजनीतिक दल का मामला नहीं है। और एक टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपना नाम बढ़ाना, इन तीनों बातों में इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। और ये देश के जो साइंटिस्ट हैं, देश के जो विचारवंत हैं और देश का काम करने वाले जो लोग हैं, उन सभी लोगों के सहायता के कारण हुआ है और राजनीतिक ताकत का उपयोग हुआ है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। धन्यवाद जी। अब समय हो गया है, मैं चाहता हूं अगर आप लोग परमिशन देंगे, प्रदीप जी आपसे ही शुरू करेंगे। मैं दीपक किसी भी मुद्दे पर अब नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए शेखर जी हम इसको क्लोज कर रहे हैं डिस्कशन को। मैं चाहता हूं कि पूरा देश सेलिब्रेशन कर रहा है, तो कम से कम देश के लिए एक बुद्धिजीवी की तरफ से एक संदेश, एक एक मिनट में शेखर जी आप भी बोलेंगे, रतन जी बोलेंगे, चार्य जी बोलेंगे, उसके बाद प्रदीप जी बोलेंगे। शेखर जी एक मिनट में खत्म कर लें, एक एक मिनट बस। नहीं दीपक जी, ऐसा है, जिस मोड़ पे भारत आज खड़ा हुआ है, मतलब देश में आज जो कॉन्फिडेंस है जी, हर नागरिक पे जो कॉन्फिडेंस है कि आगे देश, भारत आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी, गरीबी दूर होगी आने वाले सालों में, ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन हमारे देश में कई प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो चुके हैं, और कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा आप कह सकते कि सारे सॉल्व हुआ है। ये चुनौती रहती, मतलब चुनौती चलेगी, लेकिन सवाल है हम इसको कैसे इसको आगे हम देखे और कैसे आगे ले जाए इसको, यही बात जी। जी रतन सरदा जी, देखिए मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि देश इस समय एक पॉजिटिव मूड में आया है, विश्व भर का भारतीय पॉजिटिव मूड में आया है, और हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा विश्वास जागा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारा क्या होगा से लेकर हम क्या नहीं कर सकते, ये जो दिशा में भारत जा रहा है आने वाले समय के लिए अनुकूल है, और अमृतकाल जो है वो अमृतकाल ही सिद्ध होगा।
जी प्रदीप जी, देश के लिए कुछ एक शब्द आप बोल दीजिए, अच्छा सब देश के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारत माता की जय। धन्यवाद चारी जी। मैं प्रदीप जी ने बहुत कष्ट से भारत माता की जय बोले, ऐसे लग रहा है। नहीं, दीपा जी ये गलत बात है, ये आप मेरी देशभक्ति को चुनौती नहीं दे सकते। नहीं, मैं प्रदीप जी से सहमत हूँ। देखिए राजनीति में एक बात होती है, इतना भी साहस होना चाहिए बोलने का कि भारत माता की जय। बिल्कुल देखिए राजनीति में एक बात होती है, एक सहमति की सरकार चलाने की भी कोशिश होनी चाहिए, गवर्नेंस बाई कंसेंसस उसको कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब एक किसी एक दल को 300 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं और उस दल को किसी और दल की आवश्यकता नहीं होती है, तब कुछ हद तक ये हो जाता है। लेकिन ये कंसेंसस फॉर्म करना केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। मुझे लगता है कि विरोधी दल जिसको हम बोलते हैं, मैं इस शब्द से परहेज रखता हूँ, मैं विरोधी दल नहीं मानता हूँ, अपोजिशन नहीं मानता हूँ, दे आर गवर्नमेंट इन वेटिंग जी। तो ये इनको भी चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार की तारीफ करने में कोई बुरा नहीं है। कांग्रेस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस जो तारीफ की है, मैं उनका नाम अगर कहूं तो उनको शायद कांग्रेस में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं कह रहा हूं, परंतु कांग्रेस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने तारीफ की है। एक खुले दंग से करें, मान लें कि देश प्रगति कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक रूलिंग पार्टी का मामला है, रूलिंग पार्टी को भी चाहिए कि जो आंतरिक मामले हैं जिसका प्रदीप जी ने उल्लेख किया, जैसे मणिपुर का मामला है, ऐसे जो आंतरिक मामला है, शेखर जी ने जिस बात को कहा कि देर आर चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस, डोमेस्टिक चैलेंजेस, तो इस डोमेस्टिक चैलेंजेस में भी सभी दल को साथ में लेकर जाने की एक क्षमता होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार में वो क्षमता है, वो कर भी रहे हैं जी। चारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय हो गया है। और मैं अपना दर्शकों को बता दूं, आज का हमारा जो मेहमान है प्रदीप सौरभ जी, शेखर आयर जी, रतन सरदा जी, शेषाद्री चारी जी, आप लोगों ने सबने देश के बारे में बात रखा कि देश आज प्रगति की पथ पर है, और देश अगर आज यहाँ तक पहुंचा है इसके लिए किसी पर्टिकुलर पार्टी या व्यक्ति या संगठन नहीं, पूरे हर देशवासी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हम सब भारतीय ने आज देश को यहाँ तक पहुंचाया है, और आगे भारत विश्व गुरु बनेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्ते। थैंक यू।